हर तरक्की का नमूना है, धरने की जगह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि ग्रेटर इकबाल पार्क तरक्की का नमूना है, धरने की जगह नहीं है। ग्रेटर इकबाल पार्क में चारों सूबों की सकाफत को उजागर करना काबिले तहसीन है। पार्क की वजह से लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये पार्क तारीखी वाकयात को अपने दामन में समेटे हुए है, जबकि बादशाही मस्जिद हमारे माजी की निशानी है। यही वो जगह है जहाँ माजी मुस्तकबिल से गले मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पार्क की वजह से लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ से कहा है तारीखी इमारतों को मजीद रोशन किया जाए, शाही किले में तज़ीन और आराइश का काम भी शुरू होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा कि माजी की हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और माजी की हुकूमतों ने तहजीब और सकाफत को भी नजरअंदाज किया, जबकि मौजूदा हुकूमत ये जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर इकबाल पार्क तरक्की का नमूना है, धरने की जगह नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है और बलूचिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। जहां तेज रफ्तारी से तरक्याती काम हो रहे हैं और वहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं। सूबा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ रहा है। ग्वादर की बदौलत बलूचिस्तान में इनकलाब आ रहा है। पहले क्वेटा से ग्वादर जाने में 2 दिन लगते थे, अब 8 घंटे लगते हैं। जब तक शाहराहें नहीं बनेंगी मुल्क में तरक्की कैसे आएगी। हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया जाए। अब मोटरवे लाहौर से मुल्तान और फिर सक्कर जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अगर सड़कें ना हो तो पसमानदा इलाकों में तरक्की कैसे पहुंचेगी। सड़कें दिलों को भी करीब करेंगी। मुल्क में बिजली की किल्लत का चैलेंज था जिस पर काबू पाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जल्द इस बहरान पर भी काबू पा लेंगे। बिजली का बहरान किसने पैदा किया, उन हुक्मरानों का महासभा करना चाहिए। बिजली के जिम्मेदार हुक्मरानों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया।